तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में पावर बीआई की डैश फंक्शन में हम बात करेंगे मेक ए टेबल न्यू टेबल का क्या इस्तेमाल किया जाता है डैशबोर्ड। जी हाँ, आपने कल की क्लास क्लास में देखा होगा कि मैंने फिल्टर फॉर्मूला ऑल फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया था, एक नया टेबल में कुछ लिस्ट लेके आया था। तो आखिर नया टेबल जो एक टेबल है उसी का एक क्लोन टेबल हम बनाते क्यों, क्या रीजन क्या है बनाने का, तो इसी चीज पे हम आपके साथ डिस्कस करें। तो मैं अभी मैं पावर बीआई ओपन कर रहा हूं, कंप्यूटर स्क्रीन दे रहा हूं। देखिए पावर बीआई में मैंने एक ही डेटा की दूसरी क्लोन टेबल लगाने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन होता है वो होता है स्लाइसर्स का। जैसे मान लीजिए कि आपने एक चार्ट बनाया हुआ है, दो चार्ट है, आप चाहते हैं कि एक जो चार्ट मेरा है उस पे मेरा स्लाइसर चले, दूसरे चार्ट पे मेरा स्लाइसर ना चले, तो उस केस में क्या करेंगे। यही चीज आज हम आपको समझाने वाले हैं जिससे आपको मेक ए न्यू टेबल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे दिया है, मैंने पावर बीआई ओपन भी कर दिया है, मैं एक्सेल शीट पे आता हूं, एक नया डेटा ऐड करता हूं। डेटा एंड लोड, तो यहां मेरे पास डेटा हो गया। चलो मैंने क्या किया कि एक कॉल यहां पे मैंने नेम वाइज हमने यहां पे एक क्वांटिटी और नेम के हिसाब से हमने एक अपना विजुलाइजेशन तैयार किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक स्लाइसर ऐड किया और स्लाइसर में हमने मान लीजिए प्रोडक्ट का दे दिया और इसको यहां से हम सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं ड्रॉप डाउन ताकि छोटा हो जाए जिसको हम चार्ट पे फिट कर सकते हैं, राइट। अब इससे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे अगर सीडी ले रहा हूँ, सीडी को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मेरा पूरा रिपोर्ट सीडी के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, बन रहा है सर। राइट सर, बट प्रॉब्लम है कि मैंने एक और रिपोर्ट जो है अपने ये क्या बोलते हैं सेल्स मोड के हिसाब से बनाया हुआ, सेल्स मोड वाइज मैंने मान लीजिए अपना टोटल अमाउंट रखा हुआ है और इसको मैंने क्या किया हुआ है एक चार्ट में कर दिया हुआ है। अब बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब मैं यहाँ पे स्लाइसर लगाता हूँ डिलीवरी का तो ए भी चेंज हो रहा है ना सर, एमबी का लगाता हूं तो ए भी चेंज हो रहा है। सो मुझे क्या करना है कि जब मैं यहां से अगर कोई ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करता हूं तो मेरा सिर्फ इस चार्ट को इफेक्ट होना चाहिए, इस चार्ट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बात समझ में आया सर। तो क्या हुआ कि अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने टेबल एक ही लगा रखी है, इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एक ही टेबल पे जो चीजें हो रही है इसी से दिक्कत हो रही है। तो क्या करें इसके, तो क्या स्लाइसर के अंदर कुछ सेटिंग है, एक्सपोर्ट डेटा सो एज अ टेबल रिमूव सॉर्टिंग असेंडिंग कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लियर हो रहा है, ठीक है, लिस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो लिस्ट सिस्टम आ रहा है, नहीं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसकी इसमें जाऊं फील्ड में, नहीं है प्रोडक्ट है सही है, इसके बाद इसके फील्ड में भी हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, सेक्शन सिलेक्ट सिंगल सिलेक्ट ऑफ है, मल्टी सिलेक्ट हमारा ऑन है, कंट्रोल के साथ ओपन होगा डिस्क कंट्रोल नया, देख लीजिए पहले नहीं था, नहीं पहले में अपडेटेड है कि अगर आप इसे मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल के साथ करना पड़ेगा, ठीक है।
सिंगल में एक ही होगा, तो मुझे ऐसा इसमें इसकी फॉर्मेटिंग में भी ऐसा पता नहीं चल रहा है ये सेम चार्ट पे चल। तो हमने क्या किया, दूसरा तरीका निकाला कि हमने यहाँ न्यू टेबल पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर देते हैं डेटा वन। और यहाँ क्या करते हैं, मुझे जैसा है सेम उसी तरह का टेबल चाहिए क्या, तो हमने यहाँ फिल्टर फॉर्मूले लगाए। फिल्टर फॉर्मूले में हमने लगा दे दिया डेटा, और डेटा देने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था आपको, इसमें जैसे कि फिल्टर फंक्शन में आता ऑल नॉन ब्लैंक कर सकते हैं, ऑल नॉन ब्लैंक हम कर देंगे तो जित आ जाएगा हमारा, नॉन ब्लैंक ही होता है ना, ब्लैंक ना लेके नॉन ब्लैंक ले रहे हैं, ऑल नॉन ब्लैंक डेटा, आ गया डेटा पूरा सर। अब मैं क्या करूंगा कि अपनी जो चार्ट थी हमारी इसको बंद करता हूँ, डेटा वन। अब जो है हम अपना जो विजुलाइजेशन है, ये विजुलाइजेशन इस पे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सेल्स मोड रख दिया और हमने यहाँ पे टोटल रख दिया, ठीक है सर। अब मैं इधर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सीडी, तो मेरे चार्ट को कोई फर्क पड़ रहा है सर, नहीं पड़ रहा है ना, समझ में आया सर जी सर, डेटा सेट ही अलग हो गया है इसी। जी हाँ जी हाँ, तो हाँ तो स्लाइसर ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, वो वाला मिला समझ गए, जैसे दो तीन पेज है सर, दो तीन पेज है जो हम लोग स्लाइसर लगाए हैं, अगर जो स्लाइसर हम लोग फर्स्ट पेज पर लगाए हैं वो सिर्फ हम लोग तीन पेज मतलब चार पेज तीन पेज का हम लोग मल्टी पेज का बना हमारा विजुलाइजेशन, और उसमें नहीं वो नहीं, एक स्लाइसर एक पेज पे चलता है, हमने उसका रूल पढ़ा है जी, रूल में सिंपल लिखा हुआ है, एक स्लाइसर वन पेज, मल्टी पेज के लिए नहीं है सिंगल स्लाइसर। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट लेता हूँ टीना का, तो टीना का रिपोर्ट ही दिखेगा यहाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ भी आपको सिर्फ टीना की रिपोर्ट दिखेगा, नहीं होगा, सभी स्लाइसर के लिए फिर इंडिविजुअल उसको ड्रॉप डाउन में जाके करना पड़ेगा जी। तो पहली चीज, दूसरी चीज एक तो ये हो गई, दूसरा क्या होता है कि हमारा टोटलिंग का, जैसे हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, मान लीजिए का डैशबोर्ड हमने बनाया, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कार्ड के ऊपर टोटल देते हैं, जैसे होता है ना बहुत सारे डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ था कि टोटल सेल, हाँ ग्रॉस टोटल, ग्रॉस सेल या टोटल सेल, ऐसा होता है, तो यहाँ पे मैं टोटल सेल चाहता हूँ, मतलब ओवरऑल टोटल सेल कितना हुआ, मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से नहीं लेना देना है, मुझे लेना है कि भाई टोटल सेल कितना हुआ, समझे, तो सम का फॉर्मूला इसके लिए हम लगाएंगे, तो सम का फॉर्मूला यहाँ मुझे टोटल चाहिए, सिर्फ टोटल चाहिए, तो मेजर्स में लगाएंगे न्यू मेजर्स, तो मेजर्स में हम यहाँ पे आते हैं और नाम हम मेजर्स की जगह पे हम दे देते हैं टोटल सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर दिया सम, और सम में हमने बोला कि भाई डेटा की क्वांटिटी, ठीक है। अब ये टोटल सेल है, इसको रखेंगे कहाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर अलग को हमें फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, हम टेबल के अंदर में ही टोटल सेल को रख देंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा ना टोटल सेल, आ गया सर, या टोटल सेल है, टोटल कॉल्स आ गया, ये टोटल सेल क्वांटिटी का टोटल सेल है क्या। अरे चीज, इसकी कॉलम का हेडिंग जो है मेरे हिसाब से नहीं,
अगर अभी चीज आप रखा हुआ, अब मैं क्या करता हूं, यहां से लेता हूं कार्ड, कार्ड दिख रहा है, और कार्ड को मैंने ऊपर रखा और टोटल सेल्स को मैं यहां रखता हूं। अब ये बेटर है कि नहीं सर? हेलो, इसकी एक अलग ये है, इसकी अलग फॉर्मेटिंग है, अलग हर चीज अलग है, दिख गया सर? अब ये मैं रखूंगा और वो रखूंगा, दोनों में अंतर पता चल जाएगा। डैश विजुलाइजेशन में ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना सर? तो इसलिए जो है हम लोग, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि अब मैं यहां पे अगर डीवीडी सिलेक्ट करता हूं तो ये भी चेंज हो गया हमारा, लेकिन मुझे ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए था। तो फिर हम इसको अलग टेबल बनाएंगे और अलग टेबल में उसका यूज करेंगे। तो दो चीज आपने सीखा, पहला चीज आपने सीखा कि आपको एक अलग टेबल कैसे बनाना है। सर अगर हम वो अलग टेबल, जैसे कि अभी आपने डेटा वन शीट अलग टेबल बनाया है ना सर, ऑल नन फिल्टर से, ब्लैंक से, तो अगर उसी में वो दो तीन ग्राफ चाहिए तो फिर सबके लिए अलग अलग हमको डेटा सेट लाना पड़ेगा, तभी तो वो नहीं वो होगा ना, फिक्स रहेगा। देखिए मैं समझा आपको, खाने मतलब कि आप ये काम कर सकते हैं, जिस जिस पे स्लाइसर इस्तेमाल नहीं करना है वो अलग होगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे स्लाइसर सिर्फ जो है इस पे करना है, तो हम ये जो नाम बाय जो चार्ट है वो हम अपने उस डेटा से बना लेंगे, और बाकी दूसरे डेटा से बाकी जो चार्ट से बना देंगे, इस पे स्लाइसर वर्क नहीं करवाना है हमको। तो आपको हर चार्ट के ऊपर अलग अलग स्लाइसर चाहिए, अलग अलग डेटा देना पड़ेगा। समझ गए? तो इसमें इस फॉर्मूले सेक्शन में हम आपने जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हम ऑल फॉर्मूला से पढ़ चुके हैं। ऑल फॉर्मूला समझ में आया था? जी सर, जी सर। ऑल फॉर्मूला यूज क्यों किया था हमने? सर ऑल फॉर्मूला का यूज क्यों किया था हमने? याद नहीं आ रहा सर। तो फिर क्या समझ में आया आप बताइए, दो दिन पहले पढ़ाया चीज याद नहीं आ रही आपको? इम्तियाज जी आप बताइए, ये आपको तो याद ही नहीं है। अजय जी आप बताइए, अजय जी आप थे कि नहीं थे लास्ट क्लास में, फ्राइडे क्लास में? लग रहा था अंकित जी आपको याद है सर, मैंने क्लास नहीं ली थी लास्ट वाली। सर आगे से पढ़ते जाइए, पीछे से भूलते जाइएगा तो होगा? जैसे मान लीजिए ये हमारा ए है, तो हमारा जो सेल्स पर्सन है वो हमारा नेम है, राइट? उसने इतनी क्वांटिटी सेल। अब यहाँ पे मुझे पूरे साल, तो कि मान हमारे कंपनी साल के अंत में दीपावली पे कुछ बोनस देती है, तो बोनस मिलता है उसके पर्टिकुलर सेल्स के अकॉर्डिंग। अब बंदे ने 10,000 सेल्स, 10,000 से नीचे सेल किया है तो 5,000 मिलेगा, 10,000 से 20,000 के बीच में 10 आपको 10,000 मिलेगा, और 10,000-20,000 से ऊपर की क्वान्टिटी अगर सेल की है तो उसको 15,000 रुपये मिलेगा। समझे? अब प्रॉब्लम है कि कैसे दे, क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने डेटा पे देखो, आप इस पे देखो, तो टेबल में बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि मैं टेबल ले लिया और इस टेबल में मैंने नेम के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को रख दिया। अब मुझे इसी के बाद मुझे इसका टोटलिंग करना है। अब मैं यहाँ पे तो फील्ड एड करके कैलकुलेशन नहीं कर सकता ना, क्या बोल रहे सर? इस टेबल पे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकता ना, इसमें नया टेबल ऐड करके, नया कॉलम ऐड करके। कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसमें नया कॉलम यहाँ ऐड कर दे? क्योंकि डेटा में तो टोटल है नहीं, डेटा में तो 51 है। अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लगाऊंगा सबको 5-5, हर एक सेल पे 5,000 दे देगा। तो मुझे दो चीजें, तो ये ऐसा तरीका चाहिए कि मैं यहीं पे कॉलम ऐड करके इंसेंटिव के लिए इस फॉर्म पर लगा दूं, या फिर एक नया टेबल बनाओ और उस नए टेबल में मुझे इसका टोटल आ जाना चाहिए, इसका टोटल आ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ इस पे दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गया और
न्यू टेबल पे गया और न्यू टेबल पे मैंने यहाँ पे डेटा टू और यहाँ ऑल फॉर्मूला लगाया, ऑल और ऑल फॉर्मूले में मैंने सिलेक्ट कर लिया डेटा नेम और एंटर प्रेस करता हूं। तो यहां पे मेरे नेम लिस्ट आएगा, लेकिन मेरे तो ओरिजिनल टेबल में नेम कई बार रिपीटेड है, इसका सारा यूनिक नेम मेरे इस टेबल टू पे आएगा। उसके बाद फिर मैं एक नया कॉलम ऐड यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करूंगा और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का बना लूंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे सम एक्स, सम एक्स याद है भूल गए, सम एक्स के अंदर में फिल्टर का फॉर्मूला देंगे, फिल्टर में हमने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर कनेक्शन होगा कि डेटा नेम इज इक्वल टू डेटा वन डेटा टू नेम और हमें सम किसका करना है तो क्वांटिटी का करना है। आ गया सर। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू कॉलम देंगे और न्यू कॉलम में यहाँ पे आई एम सी इंसेंटिव और यहाँ पे इफ कंडीशन लग जाएगा कि इफ डेटा टू टोटल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 10,000 तो 5,000 दे। अगेन इफ डेटा टू टोटल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 20,000 तो यहाँ पे 10,000 मिले। अगेन इफ टोटल डेटा टू टोटल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 25,000 तो यहाँ पे 15,000 अदरवाइज 20,000 और एक एक क्लोज हुआ, दूसरा एक क्लोज हुआ, तीसरा एक क्लोज हुआ और अंदर ठीक है आ गया सर। अब मैं अपने डैशबोर्ड पे इसको हटा देता हूं और हम डेटा टू वाले, हमने नया जो डेटा टू बनाया उसका नेम और उसकी टोटल क्वांटिटी और उसका इंसेंटिव, अब समझ आया ऑल फॉर्मूला क्या करता है? जी सर। हेलो। जी सर। जी सर। तो ऑल फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं यूनिक लिस्ट लेने के लिए, ताकि उस लिस्ट के बिहाफ पे हम आगे कैलकुलेशन करके एक पिवट टाइप का, एक मैट्रिक्स टाइप का टेबल बना सके जिसको हम अपने डैशबोर्ड में यूज करें, इस पर बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे। समझ गए? तो चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं, कल की क्लास में हम आपको इससे आगे की चीजें बताएंगे। अभी जो चीजें चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, सो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी से आपका डैशबोर्ड का कैसा होगा, कैसे अट्रैक्टिव होगा, क्या होगा वो डिपेंड करता है। ठीक है सर। ये मिलते हैं कल सेम टाइम। हेलो। जी हाँ मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी जी, बस सुनने में मिल जाएगा।